टॉक के फॉर्म क्या है, स्पेस क्या है, इस चीज को एलैबोरेट करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शेप मौजूद है। लाइंस की बात की थी तो लाइन एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी है वर्टिकल लाइन। जब भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को कंबाइन करते हैं तो कुछ इस किस्म की शेप्स बनती, जिसमें अगर फोर साइड्स इक्वल होंगी तो स्क्वायर कहलाता है और ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगुलर कहलाता है। जब आप इन शेप्स में थर्ड लाइन यानी जी एक्सिस की डायगोनल लाइन यूज करते हैं इस तरह से या इस तरह से, तो इसकी लुक चेंज हो जाती। यहां पर ये सारी लाइंस हैं 1D, ये भी ये भी ये भी ये भी एक डायमेंशन में मूव कर रही हैं। इट्स स्ट्रेट, इट्स हॉरिजॉन्टल, इट्स डायगोनल। जब इनमें से कोई भी दो दो आप लेके चलते हैं तो वो बन जाती हैं 2D। और जब आप इस 2D में, 2D इसलिए से कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली भी है मौजूद और वर्टिकली भी इसमें एग्जिस्टेंस है, लेकिन जब आप इस 2D में एक थर्ड लाइन यानी डायगोनल लाइन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जहां पे मैंने डायगोनल लाइन यूज की तो ये बन गया कुछ इस तरह से एक अदद बॉक्स जो अब कुछ वॉल्यूम भी रखता है, और ये चीज आपको वॉल्यूम के बारे में बताती है, और इसे हम कहते हैं 3D। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म। आप किसी तरह से अपनी एक सिंपल फ्लैट चीज को, फ्लैट सब्जेक्ट को एक वॉल्यूमेट्रिक सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आपको मैंने बताया कि मैंने प्रीवियस जब ये चीज ड्रॉ की अब ये क्या है, ये फ्लैट है, 2D है, लेकिन इसको 3D दिखाने के लिए मैंने छोटा सा एक काम किया, मैंने नीचे ये एक लगा दी। इससे क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि यहां पर अब ये वो सारा वॉल्यूम आ गया, यहां पर अब ये सारा वॉल्यूम आ गया। इसी तरह जब स्लीव्स दिखाए अब ये क्या है, दो लाइनें, ठीक है, टू लाइंस हैं, ये 2D है, इसमें मैंने ये बनाया, और जब साथ में ये दिखाया तो इट मींस कि यहां पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम मौजूद है। और फिर इसमें आप लोगों को मैंने कहा कि आप हैंड दिखा सकते। जब मैंने आपसे कैप का कहा अब यहां तक तो ये टू डी कॉन्सेप्ट दे रहे, एक ये लाइन है और दो ये लाइंस हैं, जिस तरह यहां पर लाइंस थी। और चले एक हम लाइन यहां दिखा देते हैं, ये भी 2D है, लेकिन जब मैंने साथ ही थोड़ा सा एक कर्व यहां दिया, यहां दिया, ये बन गया 3D। थर्ड लाइन यानी डायगोनल लाइन, थर्ड लाइन जब भी मैं कह रही हूं तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा जो डायगोनल लाइन है उसकी बात हो रही, वो यूज की, और ये एग्जैक्टली आपको एक 3D लुक दे रहा है। इस तरह से आप डायगोनल लाइन को यूज करके अपने फ्लैट सब्जेक्ट को, अपने फ्लैट ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं एक 3D ऑब्जेक्ट में। फिर इसमें दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, एक है डायमेंशन और एक है डेप्थ।
डायमेंशन और डेप्थ का कॉन्सेप्ट आपको, डायमेंशन और डेप्थ का इन डिटेल कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगी पेंटिंग के प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पर बताने का पर्पज ये है ये सारा आपके सामने फ्लैट है। अगर मैं इसे यहां से ये पोर्शन में थोड़ा सा डार्क दे रही हूं, ये डार्कनेस किस चीज के बारे में आपको बता रही है? कि ये चीज दूसरी तरफ है, शेडो में है, बैक साइड पर आ रही, राइट? इसे हम कहते हैं डेप्थ। ये चीज बताती है कि इस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन दूसरी साइड पर है, कितना पोर्शन डीप है इसका, और ये जो चीज आप लाइट रखते हैं ये वाला पोर्शन, क्या ये इस तरह से इस पे लाइट पड़ रही है कि ये सारा लाइट है और ये आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता चला जा रहा है, या यहाँ से लाइट पड़ रही है कि ये फ्रंट से सारा लाइट है और बाकी पोर्शन समहाउ डार्क है, या ऊपर से लाइट पड़ रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये सारी चीजें, लाइट का जो इम्पैक्ट है ये डायमेंशन में आता, उसकी डायरेक्शन क्या है। फिर आप जब भी अपनी पेंटिंग डिजाइन करते हैं आप ये देखते हैं कि इस पेंटिंग पे लाइट का इफेक्ट क्या है। अगर तो लाइट सामने से है तो आपने क्या प्रोमिनेंट करना है, कहाँ पर चीजों को हाईलाइट करना है, अगर साइड से है, कहीं से भी लाइट आ रही है तो लाइट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है आपकी पेंटिंग पे। ये चीजें इन डिटेल, लाइक कि डेप्थ क्या है, डायमेंशन क्या है, मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट जो पेंटिंग का कलर्स का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें। फिलहाल समझने की बात यह है कि आप किस तरह से अपने फ्लैट डरविश को, फ्लैट डरविश ड्राइंग को एक 3D लुक देते हैं, ये आपका बेसिक टास्क है। नेक्स्ट जो चीज है वो है स्पेस। अब स्पेस क्या है? स्पेस इज समथिंग लाइक, ये क्या आ गया, एक रेक्टेंगल, या ये आपका वो वर्किंग एरिया है, या आपका कैनवस है, या आपका सरफेस है जिसपे आपने कुछ भी ड्रॉ करना, आपका व्यू पॉइंट क्या है, कहाँ से आप चीजों को देखते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। अब इसी एक सिंपल रेक्टेंगल को रूम की लुक भी दी जा सकती है, जैसे कि मैं दे रही हूं। किस चीज को आप बड़ा दिखाना चाहते हैं, किस चीज को आप छोटा दिखाना चाहते हैं, जिन चीजों को आप बड़ा दिखाना चाहते हैं या जिन चीजों को आप करीब दिखाना चाहते हैं, व्यू पॉइंट के करीब दिखाते हैं आप उन्हें बड़ा बनाते हैं, उनका साइज आप बढ़ा देते हैं। और जिन चीजों को आपने छोटा दिखाना होता है उनका साइज आप, या जिन चीजों को आपने दूर दिखाना है उनका साइज आप छोटा दिखाते हैं। अब यहां पर कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि इनके साइज डिफरेंट रखें, लेकिन उससे आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि ये फ्रंट पे है और ये बैक साइड पर है, और अगर बैक पर अब ये दोनों दिखाए हुए तो क्या ये दोनों बराबर हैं बैक पर, ये थोड़ा सा आगे है और ये थोड़ा सा पीछे, और ये चीज आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सके हैं इसके साइज से। जो चीजें आपने
फ्रंट पे दिखानी होती हैं उनका साइज आप बड़ा रखते हैं यूजिंग द स्पेस, स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, और जो चीज़ें जो सब्जेक्ट आपने दूर दिखाने हैं कि ये बैक साइड पर हैं उनको आप साइज में छोटा रखते हैं। तो जब कभी आप एक से ज़्यादा सूफी ड्रॉ कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट इसमें, ये चीज़ में मैंने इस सूफी को फ्रंट पे दिखाया। अब फ्रंट पे दिखाने के लिए इसका साइज़ बड़ा रखा है इन, और कंपैरिजन अगर देखें तो इसका साइज़ छोटा है जो मैं बता रहा है कि ये बैक साइड पर है और इस स्पेस में डेप्थ दे रहा है कि ये यहाँ पर मौजूद है, साथ में शेडो दिखाया और ये बैक साइड पर मौजूद है, साइज से और उसकी जो कलर्स हैं उससे उस चीज़ को बताया गया। सो इंशाल्लाह ताला इन डिटेल आप लोग देखेंगे इस चीज़ को जब हम पेंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे कि डायमेंशन क्या है, डेप्थ क्या है और किस तरह से आप स्पेस को यूज़ करेंगे अपनी पूरी पेंटिंग बनाने में। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली कंपोजिशन क्या है। आप अपने गिवन एरिया में, यानी ये जो वर्किंग एरिया है, फॉर एग्जांपल मेरा वर्किंग एरिया इस टाइम ये है, इस वर्किंग एरिया को जिस पर आप पेंटिंग कर रहे हैं, जिस पर आप ड्राइंग कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज किस तरह से करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, यानी आप कह सकते हैं कंपोजिशन एंड स्पेस आर सिमिलर। आप किस तरह से अपने इस पूरे एरिया को यूज़ कर रहे हैं, क्या व्यू पॉइंट दे रहे हैं। कंपोजिशन में बेसिकली जो बहुत ज़्यादा मेथड यूज़ होता है वो है रूल ऑफ थर्ड्स। अब इसमें क्या है, आप अपनी पूरी पेंटिंग को, जो भी आपकी रेफरेंस फोटो है, आप उसे डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। और फिर आप देखते हैं कि क्या आपने यहां से स्टार्ट लिया है या इस लाइन को यूज किया है, या आगे जब मैं पेंटिंग में आपको इन डिटेल इसकी प्रैक्टिस करके बताऊंगी तो आप उनको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे प्रीवियस प्रैक्टिसेस के ऊपर ये चीज अप्लाई करें, यही कॉन्सेप्ट, ये मेरा वर्किंग एरिया है। अब इस वर्किंग एरिया को मैं डिवाइड करती हूँ पोर्शंस में। अब इस वर्किंग एरिया को मैं डिवाइड करती हूँ पोर्शंस में। फॉर एग्जांपल ये है 10.5, यहाँ
अब ये रूल ये कहता है, रूल ऑफ थर्ड्स, कि जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये देखते हैं कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो इन लाइंस पर ये जो ड्रॉ की हैं और इनके जो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं ये या इनके जो पोर्शंस हैं, जैसे ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है, ये है, यानी इनमें कहीं ना कहीं वो एक मेन पॉइंट पर लाई करता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है हमारा, ये इस 1/3 में लाई कर रहा है, ठीक है, यानी इस पोर्शन में लाई कर रहा है। अगर इन दोनों को अलग अलग कंसिडर किया जाए, इसमें लाई कर रहा है और ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट है वो इस लाइन के साथ है, आप देख सकते हैं। जब आप ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि आप इम्पैक्ट क्या दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि ये इसके ऊपर जो लाइट का इफेक्ट आ रहा है, या अगर आप इसके पीछे एक बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे तो आप ये बैकग्राउंड दिखाएंगे कि ये यहाँ पर है, यानी ये इसकी ये वाली चीज़ आ जाएगी, और जो ये है, ये जो ये यहाँ से आप दिखाएंगे चेंज। बैकग्राउंड में जब आप कलर चेंज करते हैं, आप दिखाते हैं ना कि एक फ्लैट है और एक ग्राउंड है, तो जो ग्राउंड आपने इसके सिनेरियो में दिखाना है वो आप यहाँ से दिखाएंगे। क्यों? आप देखेंगे हमने लाइट का इम्पैक्ट क्या दिया, और ये जो लाइट का इम्पैक्ट है, यानी कि ऊपर से लाइट पड़ी है और इसकी हाइट भी छोटी दिखाई है, ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये चीज़ छोटी बन गई है, इट मीन्स कि लाइट का इम्पैक्ट यहाँ से है, और इसका बैकग्राउंड हमने वॉल अगर पीछे दिखा रहे हैं तो वो ये, ग्राउंड अगर दिखा रहे हैं ज़मीन, तो वो फिर यहाँ से यहाँ तक ये सारा इसका ज़मीन का पोर्शन होगा। इस तरह से आप जब कंपोज करते हैं, आपको पता होता है कि एग्जैक्ट पीछे वॉल कहाँ पर है, बैकग्राउंड कहाँ पर है, और लैंडस्केप्स में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली मैं यहाँ से अपने लैंड को डिवाइड कर रहा हूँ कि उधर कर रही हूँ, या कर रहा हूँ कि उधर वाटर है, यहाँ पर लैंड दिखा रहे हैं, या इतना आप स्काई दिखा रहे हैं, ये दरमियान में वाटर है, यहाँ पे माउंटेन्स, यानी इस तरह आप डिवाइड कर लेते हैं अपने पूरे वर्किंग एरिया को, और फिर उसमें रह के आपके लिए ड्रॉ करना आसान हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें देखें तो ये पूरे का पूरा बना है इस थर्ड पोर्शन में, इस सारे को छोड़ के इसके इस यहाँ पर बना है। अब जब यहाँ बना है तो इसके लिए आप कभी भी ये नहीं कहते कि इसकी वॉल यहाँ है, इस चीज़ के लिए आप ये वॉल इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि वॉल वहाँ है और ग्राउंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, वॉल ये सारा बनेगा और ग्राउंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका ग्राउंड का पोर्शन बनेगा, क्योंकि इसकी लाइट का इम्पैक्ट कुछ ऐसा है, या हमारे ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें ऐसा है, यहाँ पे ऊपर से दिखाया जा रहा है, हाइट कम है, वॉल आपने छोटी दिखाई है, ग्राउंड आपने ज़्यादा दिखाया, यहाँ पर आपने ग्राउंड कम दिखाया और जो बैक साइड दिखाई है, यानी इस सब्जेक्ट की जो बैक साइड है, बैकग्राउंड है, वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। सो इस तरह से आप कंपोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला इस कॉन्सेप्ट को आप इन डिटेल देखेंगे और समझेंगे जब मैं आपको लेके चलूँगी पेंटिंग प्रोसेस में, जब हम खुद से पूरी पेंटिंग अपनी डिज़ाइन करेंगे। सो आई होप आप लोगों को बेसिक ड्राइंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।